नमस्कार, ज्योति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 361 में स्वागत है। सिंह लग्न में सूर्य को देखने जा रहे हैं। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य ऊर्जावान बनाते हैं। सूर्य इस धरती में ऐसा ग्रह है जो सामने रोज दिखता है। सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य नेम देते हैं, फेम देते हैं, प्रसिद्धि, इस तरह की चीज़ों के वो कारक हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में वो नीच के गिने जाते हैं। इसके अलावा सूर्य सिंह राशि के स्वामी। सिंह लग्न में अगर हम बात करें तो सिंह लग्न में सूर्य कैसा फल देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंह लग्न में अगर सूर्य लग्न में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे, लग्न को मजबूत करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। इसके अलावा जब भी सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा स्टार्ट होगी वो बहुत अच्छा फल देंगे। इसमें ग्रह का षडबल जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ से दृष्टि डालेंगे दाम्पत्य सुख, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों को अच्छा करेंगे। दूसरे घर में सूर्य की बात करें तो दूसरे घर में भी सूर्य अच्छा फल देंगे। यहाँ से परिवार का अच्छा साथ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी रूबीली हो सकती है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे सातवीं घर पे तो यहाँ पे जितनी भी हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको आसानी से हल कर लेंगे। तीसरे घर में आते हैं सूर्य नीच के हो जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध नहीं रहता है। यहाँ से दृष्टि डालते हैं सातवें घर में, धर्म को नहीं मानते, पिता से मतभेद रहता है। चौथे घर में आते हैं, चौथे घर में माता का सुख, गाड़ी का सुख, यहाँ से दृष्टि डालते हैं। सातवीं दृष्टि तो यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन को अच्छा करते हैं। यहाँ पर आते हैं सूर्य यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर नीच भंग नहीं हुआ तो यहाँ पर फल अच्छा नहीं आएगा, नीच भंग हुआ तो फल अच्छा हो जाएगा क्योंकि सातवीं से उच्च की दृष्टि होती है पहले। अगर आते हैं यहाँ पर पांचवें घर में तो पांचवें घर में अच्छे संतान पुत्र प्राप्ति का योग देते हैं। यहाँ पर कई तरह की लाभ के अवसर बनाएंगे, यहाँ पर बहुत बढ़िया फल देते हैं। यहाँ से दृष्टि डालते हैं यहाँ पर सातवें घर में तो यहाँ से बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, आय के नए स्रोत खोलते हैं। छठे घर में सूर्य बहुत खराब फल देंगे, यहाँ से रोग, ऋण, बाधा, इस तरह की चीज़ें इनको देना तय होता है। यहाँ से एक्सीडेंट के भी योग बनाते हैं, यहाँ से यहाँ दृष्टि यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी के खर्चे, उस तरह के खर्चों को बढ़ाते हैं। सातवें घर में आते हैं सूर्य तो यहाँ पर सातवें घर में बहुत अच्छा फल देंगे। कारक ग्रह इस लग्न में कारक ही, क्योंकि वो लग्न पे ही बैठ रहे हैं। इस घर में दाम्पत्य सुख, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को अच्छा करेंगे। आठवें घर में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ से दृष्टि ये भी अच्छी होगी। आठवें घर में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ पर हर तरह के कामों में रोक लगा देंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि तो परिवार, कुटुंब, वाणी, इसमें भी खराबी आएगी। सातवें घर में सूर्य आते हैं, नवे घर में सूर्य आते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा फल देंगे। विदेश यात्रा के योग बनाएंगे, यहाँ से छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा तो यहाँ पर बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं सूर्यदेव। इसके बाद अगर आते हैं सूर्य दसवें घर में, दसवें घर में भी अच्छा फल देंगे। यहाँ से भूमि 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 मकान भूमि मकान माता का सुख, यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन अच्छा करेंगे। ग्यारहवें घर में आते हैं सूर्य एकादश भाव में, यहाँ पर बहुत बढ़िया संबंध होगा, छोटे भाई बड़े भाई बहनों से अच्छे योग होंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे यहाँ पर तो संतान सुख भी अच्छा देंगे, इसके अलावा यहाँ से कोई रोग नहीं लगने देंगे। बारहवें घर में सूर्य बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ से कोर्ट कचहरी के खर्चे बढ़ाएंगे। यहाँ से छोटे मोटे रोग, ऋण, शत्रु, तो इस तरह से सूर्य इस लग्न में इस तरह से फल देंगे। जब भी सूर्य खराब हो, अच्छा फल नहीं दे रहे हो तो उनकी शांति जरूर कराना चाहिए, सूर्य से बला बल जरूर देख लेना चाहिए। तो ये था सिंह लग्न में सूर्य का फल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक नमस्कार।